तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे प्रिंसिपल सू कहते हैं कि शीली एकदम सही कह रहा है और उसे ऐसा करने का हक है और वो लीजी और कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि तुम यहाँ पर आके अपनी मर्जी जमाओगे और अपना थौ जमाओगे और यदि तुम्हारी फैम, ली फैमिली इस जगह के रूल मानने से इनकार करती है तो तुम यहाँ पर बेशक ना आओ तुम्हारे तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है और आज के बाद से यहाँ पर तुम्हारे ली फैमिली का कोई भी मेम्बर यहाँ पर कदम नहीं रख सकता अपने और ये सुन लीजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहते हैं कि हम इस बात को बात करके भी हल कर सकते हैं और जहाँ तक ये बात रही कि शीली के कल्टिवेशन की मुझे नहीं लगता कि इसने थर्ड लेवल अचीव किया है मुझे तो लगता है इसने अभी एक लेवल भी अचीव नहीं किया है उनकी बात सुन सूतिया जी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज ही अपने साथ शीली को अर्थ पवेलियन में ले गई थी और इसने खुद ही अपने लिए अर्थ मैजिक कोर को चूज़ किया था और उसकी बात सुन वहाँ से तीयन बाई पवेलियन के मास्टर को बुलाया जाता है और वो वहाँ पर आते ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को देखने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पर शीली ने यही अर्थ कोर मैजिक का चूज़ किया था और यहाँ पर प्रिंसिपल सू शीली की कल्टीवेशन लेवल को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये ये देख शीली पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरे अकेडमी में तो एक काफ़ी ज़्यादा महान स्टूडेंट पढ़ रहा है और फिर शीली अपनी बात रखते हुए कहता है कि आप सभी को पता लग ही गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था और यही बात आप लीजिए यहाँ जिससे पूछिए कि वो यहाँ पर अभी तक क्या कर रहा था क्योंकि यदि उसने मुझे यहाँ पर देखा कल्टीवेशन करते हुए तो इसका मतलब साफ़ है कि वो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा था उसकी बात सुन लीजियंजी कहता है कि मैं तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आया था तभी शीली कहता है कि हम तुम्हारी बातों को कैसे भरोसा करें तुम्हारे तो पास इसका सबूत है कोई और तुम डिवाइन स्वॉर्ड का सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे थे मुझे लगता है कि तुमने ऐसा जान के किया क्योंकि तुमने खुद ही डिवाइन स्वॉर्ड को चोरी कर लिया है और मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो और उसकी बात सुन लीजिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शीली को उल्टा बोलने लगते हैं और कहते हैं शायद बच्चे तुम जान नहीं रहे तुम किस फैमिली से पंगा ले रहे हो तुम्हारे साथ पता नहीं आगे क्या क्या होगा और शीली अभी भी उनकी बातों से नहीं डर रहा होता और कहता है कि मेरे साथ कुछ भी हो चाहे मैं कुछ भी करूं मैं हमेशा सच्चाई का सामना करता हूं और आगे भी सच्चाई का साथ ही दूंगा और लीजी प्रिंसिपल सू के पास आते हैं और कहते हैं यदि इन दोनों ने नहीं देखा है तो आखिर डिवाइन सोड़ गई कहा मुझे लगता है कोई उसे लेके चोरी करके भाग गया है तभी प्रिंसिपल सू कहते हैं कि आपको क्या लगता है वो किस साइड में भागा होगा तभी उनकी बात सुन लीजिए कहते हैं कि मुझे लगता है वो साउथ डायरेक्शन में भागा होगा क्योंकि साउथ डायरेक्शन से ही सबसे छोटा रास्ता है जो हमारी टी एन बाई पवेलियन से बाहर निकलता है और उनकी बात सुन सभी गार्ड्स वहाँ पर साउथ की डायरेक्शन की ओर निकल जाते हैं और लिंग थी शीली को धमकी देने लगता है और उसकी बात सुन वहाँ पर सूतिया आती है और कहती है कि तुम इनसे संभल के रहना और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शीली का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीली अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है कल्टीवेशन करने के लिए तो वो तुरंत ही उस डिवाइन स्वॉर्ड के स्प्रिट वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पर जाने से उसे पता लगता है कि वो जितना कल्टिवेशन एक हफ़्ते में करता है वो वहाँ पर कुछ ही समय में कर सकता है और वो स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा घूरने के बाद उसे पता चलता है कि जो स्वॉर्ड पर जंग लगा हुआ है वो और कुछ नहीं वो तो गोड्स का ब्लड है और वो सोचता है कि मैं भी स्वॉर्ड गोड की तरह प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया का महान एक स्वॉर्ड मास्टर बनूँ और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया है जहाँ पर कुछ लोग उस डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि डिवाइन स्वॉर्ड आखिरकार गई कहाँ और फिर हमें शीली दिखाया जाता है जो अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है और तभी उसकी डिवाइन शोर से एक इन्फिनिक्स बाहर निकल के घूमने लगती है जिसे देख शीली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के पास एक ही एलिमेंट हो सकता है लेकिन शीली ने यह बात भी सुनी है कि कोई कोई इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो दो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और शीली भी उन्हीं गिनी चुना गिने चुने लोगों में से एक है जिसके पास दो दो एलिमेंट हैं